हाय, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्रेडल कैप के बारे में, और सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी हम बोलते हैं इसको, या फिर हनीकॉम क्रस्ट भी बोलते हैं हम इसको। तो सबसे पहले मैं बता दूँ अपने आप को कि मैं हूँ डॉक्टर सुप्रिया और मैं हूँ पीडियाट्रिशियन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडल कैप होता क्या है। तो ये आपने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा, काफ़ी सारे बच्चों को, अराउंड 20-30% बच्चों को, इनफैक्ट और भी ज़्यादा बच्चों को होता है। सर में आपने देखा होगा, पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि सर में जो है पपड़ी जैसी जम गई है। तो वो क्या रहता है, इस जो रहता है इसमें मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं हम फ्लैकी, ग्रीजी, थिक एडरेंट, जो है ड्राई, स्केली टाइप जो है एक लेयर बन जाती है। जो सबसे कॉमन जो इसका रहता है वो रहता है स्कैल्प, सर में होती है। लेकिन आपने कुछ बच्चों को देखा होगा यहाँ आईब्रोज पर भी हो जाती है, ईयर्स के पीछे भी हो जाती है, ग्रोइन एरिया में भी हो जाती है, और बाकी जगह भी हो सकती है। बट जो है सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो इसका रहता है, सर में रहती है। तो इसका जो एज ग्रुप है, यूजुअली जो है ये 2 से 3 वीक के बाद स्टार्ट होती है। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो रहता है, 3 मंथ्स ऑफ एज, जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है उस टाइम ये सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, 1 साल के बाद यूजुअली बहुत ही रेयरली कभी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको काफ़ी वरीड रहता है कि क्या हो गया है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। ये धीरे धीरे वैसे भी अपने आप कम हो जाते हैं, या फिर जो कुछ रेमेडीज़ हैं ये आप घर पे करेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आता है कि ये होता क्यों है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमने हाइजीन नहीं रखी थी पूरा अच्छे से, इसलिए हो गया, या बच्चे को जो है गर्मी थी, या ऐसे कुछ था उससे हो गया। तो वैसा कुछ भी नहीं है, बरसात के मौसम में स्पेशली लोग बोलते हैं कि बारिश की वजह से हो गया, तो बारिश से या ऐसे उससे कुछ रिलेशन नहीं है। इसमें क्या रहता है, बच्चे जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें सेबेशियस ग्लैंड्स जो रहती हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो उसकी वजह से जो है ये लेयर बन जाती है। और काफ़ी कुछ रेयर केसेस में जो रहता है ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखा लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हो या कुछ ज़्यादा है, तो फिर तो ऑब्वियसली कुछ बाकी ट्रीटमेंट या कुछ स्ट्रॉन्ग शैम्पूज और स्टेरॉइड्स जो भी अकॉर्डिंगली देंगे। लेकिन जब माइल्ड केसेस रहते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो है डेली आप ऑयलिंग करिए, और ऑयलिंग करने के बाद अगर आप सुबह ऑयल लगा रहे हैं बच्चे को तो जब भी है उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के कॉम कर दीजिए। कॉम जो है सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, जो बच्चों का कॉम आता है वो यूज़ करना है, सॉफ्ट होना चाहिए, वो शार्प नहीं होना चाहिए, और बहुत ही हल्के हाथों से करिए। लोग क्या करते हैं उसको हटाने के चक्कर में उसको काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं या उसको हटाते रहते हैं बैठ के, वो वैसा नहीं करना है, वो अपने आप ही हट जाएगा कुछ दिनों में। बस आप ये करिए कि ऑयल लगाते हैं उसके बाद एक बार थोड़ा सा कॉम कर दीजिए, और उसके बाद जो है आपको नहलाना ज़रूरी है, या तो अगर आप रात को ऑयल लगा रहे हैं तो सुबह नहलाइए, अगर सुबह ऑयल लगाया तो जब भी 1-2 घंटे बाद जब भी नहला रहे हैं। तो उसके बाद जब बच्चे के बाल हल्के से गीले हैं, और तब जो है आप दोबारा से एक बार उसको सॉफ्ट कॉम करिए। बस ध्यान रहे कि जो कॉम है उसके टिप्स जो हैं आजकल वैसा आता है, आगे के टिप्स जो हैं बच्चों का कॉम अलग ही आता है, गोल गोल सा रहता है, तो जिससे कि बच्चों को कोई भी हर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे वो निकलती है और तो उससे ऐसे कुछ स्किन इरोडेड वगैरह नहीं रहेगी। तो ये कर सकते हैं आप, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को स्ट्रॉन्ग शैम्पू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज नॉर्मली रूटीन में आप कोई सा भी जो शैम्पू यूज़ करते हैं अगर थोड़ा बहुत है तो उससे भी ठीक हो जाएगा। और ऑयलिंग भी आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छा रहता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आपको कौन कौन सी कंडीशन है जब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
तो अगर जो है बच्चे की स्किन जो है रेड कलर की हो गई है, यूजुअली यू नो क्या रहता है कि हम लोगों की आदत होती है कि वो उसको हटाते रहते हैं बैठ के, तो वैसे आप करेंगे ना तो उससे हो सकता है कि बच्चे को ब्लीडिंग भी शुरू हो जाए, या फिर ऐसे स्किन इरोडेड होगी तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन लाइक सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है बेबीज को। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप उसको मत हटाइए, वो अपने आप धीरे धीरे ऑयलिंग करने से शैम्पू करने से हट जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बच्चे की स्किन रेड हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, स्किन हट गई है, इरोडेड हो गई है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि फिर हो सकता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जो है बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस भी है, तो उसमें भी आपको डॉक्टर से मिलना है। या फिर जो है ये इतना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि आपके सिर्फ सर पर नहीं है, पूरे सर पर भी बहुत ही ज़्यादा है, या फिर पूरे बॉडी पे धीरे धीरे फैलता जा रहा है, तो उसमें भी आपको फिर डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा।